लुधियाना गांव लाडोवाल इलाके में स्थित मेगा फूड पार्क का निरीक्षण करने पहुंची खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल। इस दौरान पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर इस प्रोजेक्ट को लेट करने और जानबूझ काम में रुकावट पैदा करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के चलने से करीब 5,000 युवाओं को नौकरी मिल सकती है और साथ ही इसका फायदा करीब 1.5 लाख किसानों को होगा, मगर राज्य सरकार इसके लिए इस कार्य में देरी कर रही है कि इसका क्रेडिट कहीं अकाली भाजपा सरकार को न चला जाए। करतारपुर कॉरिडोर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का केंद्र ने उद्घाटन किया और आज इसको 1.5 महीना भी नहीं हुआ कि केंद्र की तरफ से इसका रूट प्लान बनाकर इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है। जदों तो मैनू फूड प्रोसैसिंग मंत्रालय मिलिया, मेरे सब तो पहला फोकस सीगा कि अपने स्टेट पंजाब वास्ते ते पंजाब दे किसाना दे वास्ते ते इत्थे नौजवानां दे रोज़गार दे साधन पैदा करन वास्ते मैं वो की कर सकदी हाँ, वध तो वध इंडस्ट्री लावां जिहदे नाल किसान नूं ते नौजवान नूं फायदा होए। उस टाइम जब मंत्रालय संभालिया सीगा साडे कोल कल्ले दो स्कीमां सीगी, एक मैगा फूड पार्क स्कीम ते कोल्ड चेन स्कीम। सो 3 मेगा फूड पार्क, एक फाजिलका च जिहड़ा चल पिया हैगा ते दूजा आ मैं चेंज करके गाइडलाइनस नू कि स्टेट दी एजेंसीज भी एक मेगा फूड पार्क लगा सकते, ये सोच के कि अपना मिल्क फेड हैगा, अपना पंजाब एग्रो हैगा, किन्नी स्टेट एजेंसीज हैगियां ते किसानां नू स्टेट एजेंसीज दे उत्ते भरोसा थोड़ा वध हुंदा है ते क्यों ना पंजाब दी एग्रो प्रोड्यूस विदेशों तक असी एक्सपोर्ट करिए, देश भर चाहे असी लैके आइए स्टेट की सरकार की पुश दे नाल, जिदे करके मैं अमेंड करके पहली बारी कि प्राइवेट नहीं स्टेट एजेंसीज भी यहो जहाँ मेगा फूड पार्क लगा सकते हैं, जिन्हें नाल मैं सोचा इंडस्ट्री नू ते किसानां नू होर असी सहूलत दे के होर इनू प्रमोट कर सकते हैं। तो तीजा कपूरथला च जिहड़ा सिर्फ स्टार्च दे उत्ते जिहड़ा स्टार्च पोटेटो तो बनूगा, कॉर्न ते मेज़ तो बनूगा, एक मेज़ बेस्ड इंडस्ट्री ताकि साडी डाइवर्सीफिकेशन जिहड़ा असी चाहते सी उहनू एक हुंगारा मिले। तो जिथे फाजिलका का फूड पार्क शुरू हो गया इनू 2015 के 3 महीने से ये पार्क सैंक्शन करके 30 महीने के अंदर इनू रेडी होना चाहिए, पर जिवें तुसीं देखिया कि वो जिहड़े प्राइवेट वाला सी उहदे बाद हुशियारपुर वाला इहदे बाद शुरू होया कपूरथला वाला, लेकिन मैनू लगता इस तो पहले तैयार हो जूगा क्योंकि जिवें तुसीं इस प्रेजेंटेशन से देखिया साल साल भर मशीनरी की टेंडरिंग नहीं हो रही है, फिर टेंडर खुलता है तो जी किसी ने अप्लाई नहीं किया। तो मैं सीधा सीधा इल्ज़ाम लानी हाँ क्योंकि कैप्टन साहब नूं मैं एक नहीं सैकड़ों चिट्ठियां लिखिया ने कि जिवें मेरा बठिंडा का एम्स इन्होंने लेट किया, जानबूझ के सरकार हुण इस पाक नूं भी लेट कर रही है कि हरसिमरत बादल वालों इहदा उद्घाटन होकर इहदा क्रेडिट अकाली दल नूं श्रेय ना मिल जाए। तो सानू श्रेय ना देन दे चक्कर च मैं समझदी हाँ हज़ारां नौजवानों नूं इस गल तो वांझा रख रहे जिहड़े नौकरी लभदे फिरदे ने, घर घर नौकरी कीते इत्थे मिलदियां ने नौकरियां ते इत्थे पाक नहीं लगन दे रहे। किसानों का कर्जा माफ़ की करना, इस इंडस्ट्री का रॉ मटीरियल किसान की फसल होगी, पार्टनरशिप इंडस्ट्री ते किसान दे विच होगी। अज आलू सड़कों से सिट रहे हैं, इत्थे इन्नी वड्डी बालाजी पोटेटो की इंडस्ट्री मैं लैके आई हाँ जिहड़ा देश साउथ इंडिया की सब तो वड्डी कंपनी हैगी, कल्ले आलू के चिप्स बनाती है, किन्ना फायदा होगा, लेकिन जे पाक तैयार करेंगे तो सारी चीज़ां शुरू होणगियां। सो ये जानबूझ के तुसी देखिया कि मार्च तो लैके हुण अगला मार्च आने लगे इन्हां तो मशीनां वास्ते टेंडर ही नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल मेरे वास्ते क्लीयर है कि ये पाक नूं रोकण वास्ते लोकां दा नुकसान करन नूं तैयार है कि अकाली दल नूं फायदा ना हो जाए। सो बहुत दुख की गल है, अफसोस की गल है। मैं सोचा सी कि सरकार आँदी है वो अपने लोगों का भला करना चाहती है तो सरकार क्लीयरेंसेज छेती दे के छेती तैयार कर दूगी, प्राइवेट लोगों को तो सरकार तो क्लीयरेंसेज लेना होंगे वो काम स्लो चलता है, लेकिन आ तो मैं देखिए कि इतने प्राइवेट लोग फास्ट करे तो सरकार को जिवें आप देखा कोई इंट्रस्ट ही नहीं है। अच्छा स्वागत किसी ने किया जो इतिहासिक फैसला मोदी सरकार ने 10% रिजर्वेशन फॉर जनरल कैटेगरी, सो तुसीं देखो किन्ने सारे गरीब हैगे जिहड़े अपने सिख भरा हैगे, अपने हिंदू भरा हैगे, अपने क्रिश्चन भरा हैगे जिहड़े ओहो ही जी गरीबी रेखा च, लेकिन SC ना होण करके OBC ना होण करके दे कुड नॉट अवेल ना नौकरी च ना एडमिशन च नहीं उन्हां नूं मिलदा सी। इन्ना वड्डा इतिहासिक फैसला किसी ने मुँह खोल के क्या वधिया, ते जे कोई रणजीत सिंह कमिशन हो जाए तो कट्ठे एक सुर च बोल देंगे। तो यही इन्हां दा सब तो वड्डा मैं समझदी हाँ कि ये कट्ठे जिहड़ी एक लड़ाई उन्होंने कमजोर करन वास्ते लड़ रहे ने, जिहड़े पंजाब दे हकां दी राखी वास्ते भावें 19 साल बाल साहब जेल कटदे ने या अज डिवेलपमेंट तुसी पंजाब नूं देखो
ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ।